2018 की है, जब तिरोड़ा के नगर अध्यक्ष राखी राजेश गुलेरिया थी। दस्तावेजों के अनुसार तिरोड़ा के गरीब जनता के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य के म्हाड़ा द्वारा अनुदान आया था, पर राजेश गुलेरिया नामक गिद्ध की नजर उस पर पड़ी और सिर्फ एक ही अनुदान का उपयोग लोगों के हित के लिए हुआ और दूसरा अनुदान जो लगभग 25 करोड़ रुपए के आसपास का था, तत्कालीन अध्यक्ष राखी राजेश गुलेरिया द्वारा बंद कर दिया गया। लोगों ने जब आवाज उठाई तो किसी भारी विधायक ने इस पर विधानसभा में लक्षवेध भी लगवाई थी, जिसके जांच के आदेश कलेक्टर द्वारा दिए गए थे। कमेटी नियुक्त की गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए नाना पटोले द्वारा जेल कराए जाने के दबाव में राजेश गुलेरिया सह पत्नी भाजपा में दाखिल हुए थे। एवज में उसके सको तत्कालीन नजर का द्वारा शांति किया गया था। कहावत है कि हर बड़े साम्राज्य के पीछे कोई गुना छिपा होता है, वैसे ही चाय टपरी से बंगले तक का सफर करने वाले राजेश गुलेरिया के पीछे भी इस भ्रष्टाचार का हाथ है। इस भ्रष्टाचार की शिकायत और गुलेरिया के संपत्ति की जांच की मांग लोगों द्वारा की जा रही है। ताजा सूत्रों की माने तो आयकर विभाग में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज होने की चर्चा लोगों में है। ऐसे में एक भ्रष्टाचारी दाम्पत्य का फिर चुनाव में खड़े रहना लोगों को कितना पसंद आता है, एवं राष्ट्रीय सम्मान रखने वाले नेता अपने पार्टी से ऐसे भ्रष्ट नेताओं को टिकट देकर सम्मानित करते हैं, यह रोमांच का विषय तिरोड़ा शहर में बना हुआ है। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।